लेते हैं पार्ट फोर्थ. ओके, सो फोर वाई जेड इन द ब्रैकेट, क्या है आपके पास, जेड स्क्वायर प्लस सिक्स जेड माइनस 16. ओके, सो डिवाइडेड बाय क्या दिया बच्चों यहां पर, 2y इन द ब्रैकेट जेड प्लस 8. ओके, नाउ अब आप ध्यान से बच्चों चेक करें, सबसे पहले जो जो कैंसिल हो रहा है उसको तो आप कैंसिल कर दो फटाफट. ठीक, कैसे दिखाता हूं मैं आपको. देखो ये 4 को 2 से कैंसिल कर सकते हो, डायरेक्टली करना हो कर लो. 4 को 2 इंटू 2 लिखना हो लिख लो. 4 को 2 इंटू 2 लिखा, इंटू में y लिखा, इंटू में z लिखा. ठीक, और इंटू में इन द ब्रैकेट ये अभी कॉपी कर लो ऐसे ही, जेड स्क्वायर प्लस 6z माइनस 16. ओके, डिवाइडेड बाय 2y को आपने लिखा, 2 इंटू y इंटू में क्या है जेड प्लस 8. तो आप क्लियरली देख सकते हैं बच्चों, एक 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, y से y हो जाएगा. चलो इतना तो हो गया करेक्ट, यानी कि ये क्वेश्चन आपका बन गया क्या, न्यूमरेटर में 2 इंटू जेड बचेगा. सो 2 इंटू जेड बच गया, इंटू में ये इंटू है. ठीक, सो 2 इंटू जेड बच गया, इंटू ये ब्रैकेट बच गया करेक्ट, यानी कि जेड स्क्वायर और प्लस 6z माइनस 16 और डिवाइडेड बाय क्या है आपके पास, z प्लस 8. चलो अब बच्चों आपको थोड़ा सा हिंट मिल रहा होगा कि z प्लस 8 नीचे तो ऊपर, इसके फैक्टर क्या आने चाहिए, z प्लस 8 करेक्ट. तो क्या इसमें कोई आइडेंटिटी लगेगी, देखिए बच्चों जेड स्क्वायर और प्लस 6z माइनस 16, क्या इसमें कोई आइडेंटिटी लगेगी, नो सर. यहां परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यस सर. 16 4 का स्क्वायर होता है, हमने आपको बताया था जब लास्ट में परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिले तो आप फर्स्ट या सेकंड आइडेंटिटी लगा सकते हैं, लेकिन बच्चों यहां पर देखिए प्लस होता है और यहां माइनस है तो कैसे लगेगा, नहीं लगेगा. ठीक, उसके बाद अब कोई टर्म क्या इसमें कॉमन है, यहां जेड है, यहां जेड है, यहां जेड नहीं है, यहां से 4, यहां से नहीं, इन दोनों में से 2 कॉमन आएगा, यहां नहीं, तो कुछ भी कॉमन भी नहीं आ रहा, तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, मतलब बीच में जो लिखा हुआ है 6z, तो 6z को ऐसे दो पार्ट्स में आपको लिखना है. ठीक है, क्या मैं इसको रब कर दूं इधर, क्या मैं इसको रब कर दूं बच्चों. ओके, मुझे थोड़ी सी जगह यहां पर चाहिए, क्या मैं रब कर दूं, वीडियो पॉज करके नोट करिए यहां तक फटाफट, कर लिया. चलो अब देखो ये जो बच्चों मिडिल टर्म है, यानी कि प्लस का 6 है, साइन के साथ देखते हैं प्लस 6 है, तो प्लस 6 को ऐसे दो नंबर्स के फॉर्म में लिखिए, ऐसे दो नंबर्स के एडिशन के फॉर्म में लिखिए कि ऐड करने पर तो क्या आ जाए प्लस 6, और मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, जो लास्ट में नंबर दिया है वो आना चाहिए, यानी कि मल्टीप्लाई करने पर 16 आना चाहिए, बताओ ना, माइनस 16 आना चाहिए, साइन के साथ देखते हैं. ठीक, अब देखो पता है मेरे दिमाग में क्या आ रहा है बच्चों, कि 6 को हम कैसे लिखें, 4 प्लस 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो 4 प्लस 2 लिखूंगा तो प्रॉब्लम है, 4 प्लस 2 6 होगा, लेकिन बच्चों 4 2 क्या होता है 8 होता है, लाना क्या है आपको कहीं ना कहीं 16 मल्टीप्लाई करने पर, वो भी माइनस 16. तो मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, थोड़ा सा मेरे पास यहां पे हिंट मिल गया मुझे, नीचे देखो z प्लस 8 दिया है, 8 का कहीं ना कहीं गेम होगा यहां पर. ठीक, तो बच्चों एक बात बताओ कि क्या आप प्लस 6 को 8 प्लस माइनस 2 ऐसे नहीं लिख सकते हो, बताओ 8 में अगर हम माइनस 2 ऐड कर दें तो आंसर कितना आएगा, प्लस 6. क्यों सर, आइए दिखाते हैं सर, देखिए ये जो प्लस 6 है, 8 प्लस माइनस माइनस 2, अब 8 माइनस 2 क्या होता है, प्लस 6 ही तो होता है. ठीक, यस सर, तो यानी कि 6 की जगह, प्लस 6 की जगह आप 8 माइनस 2 ऐसा करके आप लिख सकते हो. ठीक है ना, ओके. और दूसरा क्या फायदा है, दूसरा ये फायदा अगर हम 8 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करें, बच्चों ध्यान से चेक करिए, 8 इंटू माइनस 2 करें तो क्या आता है, 8 कैसा है, प्लस का है ना, तो प्लस माइनस माइनस 8 टू द 16, ये लीजिए 8 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करने पर आपको लास्ट वाला जो नंबर है वो साइन के साथ मिल गया, यानी कि हम लोग प्लस 6 की जगह क्या लिख सकते हैं, 8 माइनस 2. अब देखो प्लस 6 के साथ z है, ठीक, तो यहां z लगा देंगे और 8 के साथ भी z लगेगा और 2 के साथ भी z लग जाएगा करेक्ट. कुछ बच्चे बोलेंगे सर ऐसा क्यों नहीं लिख रहे हो, यहां z लगा दो सर, यहां z लगा दो सर, यहां z लगा, हाँ भाई लगा दो, क्या दिक्कत, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो माइनस 2z आ जाएगा. ठीक, ये सारी चीजें मैंने आपको डिटेल में बच्चों बताई हैं. ओके, तो प्लस 6z की जगह हम क्या लिखेंगे बताइए, प्लस 8z और माइनस 2z और माइनस 16, ये लीजिए करेक्ट. नाउ अब ध्यान दें, अब करना है इसमें कुछ नहीं बच्चों, यहां पर देखिए जेड स्क्वायर और प्लस 8z, अब ध्यान दें इन दोनों में से ये जो दोनों टर्म्स है, माइनस कॉमन ले लो पहले, तो 2z नेगेटिव था, अब ब्रैकेट के अंदर पॉजिटिव हो जाएगा, 16 नेगेटिव था, अब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा. जब भी हम माइनस कॉमन लेते हैं
तो बच्चों साइन यहां पर चेंज हो जाते हैं, ठीक। तो माइनस कॉमन लिया, प्लस 2z हो गया और प्लस 16 हो गया, ठीक। अब 2z के आगे प्लस तो लिखा नहीं जाएगा, तो प्लस हमने हटा दिया और इन दोनों को भी हमने ब्रैकेट में यहां पर ले लिया, ठीक है, ओके। नाउ अब आप देखिए स्टूडेंट्स क्या करेंगे, जेड स्क्वायर को आप लिखोगे जेड इंटू जेड और प्लस 8z को आप लिखोगे 8 इंटू जेड, ओके। माइनस 2z को आप लिखोगे 2 इंटू जेड और प्लस 16 को आप लिखोगे 2 इंटू 8। अब बोलेगा सर 16 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 फोर टाइम्स, भाई 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिखो, नहीं लिखेंगे, टाइम क्यों वेस्ट करें हम अपना, हमें पता है फर्स्ट टर्म में 2 है तो सेकंड टर्म में भी 2 आना चाहिए, फर्स्ट टर्म में z है सेकंड टर्म में z तो है नहीं, है ना भाई, 2 कॉमन आएगा तो 16 को 2 इंटू 8 लिखो ना, ठीक। नाउ अब देखिए बच्चों ये फर्स्ट टर्म है z आ रहा है, सेकंड टर्म में z आएगा कॉमन, फर्स्ट टर्म में z और प्लस सेकंड टर्म में 8, करेक्ट। माइनस फर्स्ट टर्म में 2 सेकंड टर्म में 2, 2 आएगा कॉमन, ब्रैकेट में देखिए z और प्लस 8, ये लीजिए, ठीक। नाउ अब आप ध्यान से देख सकते हैं बच्चों, यहां मैं करता हूं आपको सॉल्व, ठीक है, ये कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए फटाफट, कर लिया, चलो अब देखो। सो यहां से ये फर्स्ट टर्म है z इंटू जेड प्लस 8, ये सेकंड टर्म है 2 इंटू जेड प्लस 8, क्या कॉमन आ रहा है z प्लस 8, है ना, तो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में से z प्लस 8 बाहर आ जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में यहां पर क्या बचेगा, देखिए फर्स्ट टर्म में बचा z माइनस सेकंड टर्म में बचा 2, ओके बच्चों। तो इस तरीके से आप देखोगे अगर तो आपके z स्क्वायर प्लस 6z प्लस माइनस 16 के जो फैक्टर्स हैं, इसके जो फैक्टर हैं वो इसके फैक्टर जो हैं कितने आ गए, z प्लस 8 इंटू z माइनस 2, ओके। कॉपी करिए, कॉपी करें सभी स्टूडेंट्स, कॉपी कर लीजिए फटाफट, वीडियो पॉज करके कॉपी करिए, कर लिया, रब कर दूं, चलो अब देखो। अब हम वापस लौट के आते हैं जहां पे हमने अपना क्वेश्चन छोड़ के रखा हुआ था, ठीक है, यहां पे क्वेश्चन हमने अपना छोड़ा हुआ था, यहां पे देखिए, है ना, तो यहां पे क्या था 2 इंटू जेड, देखिए इंटू में, अब बच्चों ध्यान दें प्लीज, जेड स्क्वायर प्लस 6z माइनस 16, इसके जो फैक्टर हैं ये क्या आ गए, z प्लस 8 इंटू जेड माइनस 2, तो इसकी जगह हम इसके फैक्टर लिखेंगे z प्लस 8 इंटू जेड माइनस 2 और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, z प्लस 8, ओके। सो z प्लस 8, नाउ z प्लस 8 से z प्लस 8 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब क्या बच गया यहां से, 2 इंटू जेड होता है 2z इंटू में z माइनस 2, ये लीजिए। सो 2z z माइनस 2 इज योर फाइनल आंसर, ओके, नोट कर लीजिए प्लीज।